गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास केजी फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एंड स्मॉल ई। इसका साउंड होता है ए। बोलिए ई फॉर एलिफेंट, कैपिटल ई, small letter e, e for elephant, e for egg, e for envelope, e for egg, e for ice। हमें यहाँ पर और भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो लेटर e से स्टार्ट होती हैं। चलिए हम इन्हें देखते हैं। जैसे E for egg, E for eagle, E for envelope, E for elephant, E for 11, E for eraser। और भी यहाँ पर बहुत सी पिक्चर्स हैं जो लेटर E से स्टार्ट होती हैं। आप उन्हें देखिएगा। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 27। चलिए अब हम बनाना सीखेंगे कैपिटल ई। तो शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन। फर्स्ट स्टेप में हमने बनाई स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ये हुई हमारी सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ये हुई हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा ई फॉर एलिफेंट, कैपिटल ई कंप्लीट। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा कैपिटल ई। टेंशन क्लियर है। कैपिटल ई बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। यहाँ जो थ्री लाइन है, थ्री लाइन में सबसे पहले हमने बनाई स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट लाइन में एक स्लीपिंग लाइन बनाई हमने, सेकंड लाइन में भी हमने स्लीपिंग लाइन बनाई एंड थर्ड लाइन में भी हमने स्लीपिंग लाइन बनाई। ये बन गया हमारा कैपिटल ई, ई फॉर एलिफेंट। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। बोलिए ई फॉर एलिफेंट। जो आसपास की जो टू लाइन होती है ये बराबर होती है और जो बीच की लाइन होती है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये इन दो लाइनों से थोड़ी सी छोटी होती है। ई फॉर एलिफेंट। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट। यहाँ टू लाइन मैंने आपको बनाकर बताई। ये टू लाइन आपको
एच डब्ल्यू में करना है ना है। जैसे बोल बोलकर मैंने यहाँ लिखा, आप भी यहाँ बोल बोलकर ऐसे ही लिखिएगा। ये आपका एच डब्ल्यू है। हमें यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। हमें यहाँ पर का ब्लैंक पिक्चर दिया गया है। आपको सबसे पीछे वाले पेज से एक का स्टिकर लेना है और उस स्टिकर को यहाँ पर पेस्ट करना है। ये एक का स्टिकर है, आपको इस स्टिकर को यहाँ पर पेस्ट करना है। स्मॉल ई बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर, ये डॉट्स दे रखा है इसे स्लीपिंग लाइन। फिर इसे घुमाते हुए हम बनाएंगे हाफ सर्कल, ये बन गया स्मॉल ई। स्मॉल ई बनाने के लिए हम बीच की टू लाइन का यूज करेंगे। कैपिटल ई बनाने के लिए हमने थ्री लाइन का यूज करा और स्मॉल ई बनाने के लिए हम बीच की टू लाइन का यूज करेंगे। चलिए स्लीपिंग लाइन एंड हाफ सर्कल स्मॉल ई। ई फॉर एलिफेंट स्मॉल ई स्लीपिंग लाइन एंड हाफ सर्कल स्मॉल ई। स्लीपिंग लाइन हाफ सर्कल स्मॉल ई स्लीपिंग लाइन हाफ सर्कल ई फॉर एलिफेंट 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 स्लीपिंग लाइन हाफ सर्कल ई फॉर स्लीपिंग लाइन हाफ सर्कल स्मॉल ई। ई फॉर एलिफेंट स्लीपिंग लाइन हाफ सर्कल ई फॉर एलिफेंट। टू लाइन मैंने आपको यहाँ पर बनाकर बताई। ये टू लाइन आपको एच डब्ल्यू में करना है और ऐसे ही बोल बोल कर लिखना है। ये आपका एच डब्ल्यू है। अब हम यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। चलिए देखते हैं। काउंट हाउ मैनी एनवलप्स आर देयर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नंबर। हमें यहाँ पर कुछ एनवलप्स दिए गए हैं, हमें इन्हें काउंट करना है। काउंट करने के बाद जो फर्स्ट लेटर है उसे यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए हम इन्हें काउंट करते हैं। बोलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 ई फॉर 11। तो हम क्या फिलअप करेंगे यहाँ पर ई 11 ई एल ई वी ई एन 11। नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 28। अब हम देखेंगे यहाँ पर कैपिटल एंड स्मॉल एफ। इसका साउंड होता है फ। एफ फॉर फिश कैपिटल एफ स्मॉल लेटर एफ एफ फॉर फिश। F for flag. F for flower. F for frog. F for fruits. हमें यहाँ पर और भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो लेटर F से स्टार्ट होती हैं। चलिए हम उन्हें देखते हैं। F for fox.
F for football, F for fountain, F for flag, F for fish, F for frog, F for fan, F for fruits. F for father, F for flowers. बोलो और भी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो लेटर F से स्टार्ट होती हैं, आप उन्हें देखिएगा. नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 31. अब हम बनाना सीखेंगे यहाँ पर कैपिटल F. कैपिटल F बनाने के लिए हम बनाएंगे यहाँ सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन. सेकेंड स्टेप में फिर हमने बनाई स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. थर्ड स्टेप में हमने बनाई स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. ये बन गया कैपिटल एफ. कैपिटल ई और कैपिटल एफ दोनों थ्री लाइन में बनते हैं, पर कैपिटल ई में थ्री लाइन का यूज होता है और कैपिटल एफ में टू स्लीपिंग लाइन का यूज होता है. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. कैपिटल एफ, एफ फॉर फिश. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. एफ फॉर फिश. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. F for fish. Standing line, sleeping line and sleeping line. F for fish. बोलिए standing line, sleeping line and sleeping line. F for fish. Standing line, sleeping line and sleeping line. F for fish. Standing line, sleeping line and sleeping line. F for fish. Standing line, sleeping line and sleeping line. F for fish. Standing line, sleeping line and sleeping line. F for fish. Standing line, sleeping line and sleeping line. F for fish. Standing line, sleeping line and sleeping line. F for fish. यहाँ पर मैंने टू लाइन आपको बनाकर बताई. ये जो टू लाइन है ये आपको SW में करना है और ऐसे ही बोल बोल कर लिखना है. ये आपका SW है. यहाँ हमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है. हमें यहाँ पर कुछ फिश के पिक्चर्स दिए गए हैं. यहाँ हमें टोटल 4 फिश और एक फिश का ब्लैंक पिक्चर दिया गया है. इस ब्लैंक पिक्चर में हमें सबसे पीछे वाले पेज पे स्टिकर दिया गया है फिश का. वहां से उस स्टिकर को लेकर हमें यहाँ पर उसे पेस्ट करना है. ये आपका HW है. ये फिश का स्टिकर. इस स्टिकर को आपको यहाँ से लेके यहाँ पे पेस्ट करना है. नेक्स्ट कम टू द पेज नंबर 30. अब हम बनाना सीखेंगे यहाँ पर स्मॉल एफ. स्मॉल एफ बनाने के लिए हम यहाँ पर थ्री लाइन का यूज करेंगे. स्मॉल एफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन. इस लाइन को हल्का सा हम यहाँ पर घुमा देंगे. सेकेंड स्टेप में हमने फिर बनाई स्टैंडिंग लाइन. इस लाइन को हमने यहाँ पर हल्का सा घुमा दिया और बीच में बनाई हमने एक स्लीपिंग लाइन. जो बीच वाली लाइन है इसमें बनाएंगे हम एक स्लीपिंग लाइन. ये बन गया स्मॉल एफ. F for fish.
स्टैंडिंग लाइन, इसे हल्का सा हमने यहाँ घुमा दिया, स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फिश, या फिर इस डॉट से लेते हुए हल्का सा घुमाते हुए हमने बनाई यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फिश, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फिश, स्टैंडिंग लाइन, 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 स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फिश, हल्का सा घुमाते हुए हम यहां बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फिश, बोलिए एफ फॉर फिश, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फिश, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फिश, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। एफ फॉर फिश, टू लाइन मैंने आपको यहां पर बना के बताई और बोल के बताया। ये टू लाइन आपको एच डब्ल्यू में करना है और ऐसे ही बोल बोल कर इन्हें लिखना है। यह आपका एच डब्ल्यू है। नेक्स्ट, हमें यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, चलिए इसे देखते हैं हम। सर्कल ऑल द थिंग्स इन द पिक्चर दैट स्टार्ट विथ लेटर एफ। हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। इन पिक्चर्स में जो पिक्चर्स लेटर एफ से स्टार्ट हुई हैं, उस पर हमें सर्कल बनाना है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी पिक्चर्स हैं इसमें जो लेटर एफ से स्टार्ट हुई। एफ फॉर फॉक्स, ये लेटर एफ से स्टार्ट हुई है, इसलिए हम क्या बनाएंगे इस पे सर्कल। एफ फॉर फ्रॉग, ये भी लेटर एफ से स्टार्ट हुआ है। एफ फॉर फ्रेम, ये भी लेटर एफ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम इस पर भी सर्कल बनाएंगे। एफ फॉर फैन, ये भी लेटर एफ से स्टार्ट हुआ है। एफ फॉर फ्लावर्स, ये भी लेटर एफ से स्टार्ट हुए हैं। एफ फॉर फ्रूट्स, ये भी लेटर एफ से स्टार्ट हुए हैं। एफ फॉर फुटबॉल, ये भी लेटर एफ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हमें जो पिक्चर्स लेटर एफ से स्टार्ट हुई, हमने उन पर सर्कल बनाया।